अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स आज हम मेथड ऑफ़ लीस केयर स्टार्ट करने लगे हैं सेक्युलर ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका बहुत ही अहमियत का हामिल है पहले आपने फ्री हैंड कर्व और सेमी एवरेज का तरीका सीखा आज आपने मेथड ऑफ़ लीस्ट स्केयर सीखना है लीस्ट लीस्यर मेथड बहुत ही सिंपल है इसमें आप जैसे रिग्रेशन के चैप्टर में लाइन फाइंड आउट करते हैं सेम उसी तरह से आपने लाइन फाइंड आउट करनी है और उसकी बेस पे ए और बी फाइंड आउट करने हैं और एस्टिमेटेड लाइंस निकाल लेनी है एड एस्टिमेटेड लाइन निकालने से आपको ट्रेंड वैल्यूज निकालनी आसान हो जाएंगी अब आप जरा फार्मूले नोट करिए लाइन आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ठीक फिर उसके बाद जब आप इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं सेम उसी तरह जैसे ली स्केयर मैथड में आपने की थी समीशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स और समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्केयर बी का फार्मूला आपके पास होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स का होल स्केयर ए का फार्मूला आपके पास होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार ये चीज़ें आप रिग्रेशन के चैप्टर में कराई हुई हैं अब अगर आपके पास समीशन एक्स ज़ीरो हो जाए अगर आपके पास समीशन एक्स ज़ीरो हो जाए तो इस सूरत हाल में समीशन वाई आपके पास क्या आ जाएगा एन ए के बराबर और समीशन एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगी बी समीशन एक्स केयर यानी ए आपका वाई बार के बराबर और बी आपका समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्यर के बराबर होगा इस प्रॉपर्टी को या इस सिचुएशन को यूज़ करेंगे आप इस सिचुएशन में इस मेथड में टाइम सीरीज का डाटा है सिक्सटीन पॉइंट सेवन आपके पास ठीक है जी और इसमें आपको नाइनटीन सेवेंटी सेवन से एटी थ्री तक का डाटा दिया हुआ है ये प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं आपको ठीक आपने इसमें फाइंड आउट क्या क्या करना है आपने लीनियर ट्रेंड फाइंड आउट करना है बाय ली केयर मेथड ये लाइन लिखी आएगी तो इसका मतलब है कि आपने ये वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड आउट करना है उसमें आपने पहले बेस पीरियड लेना है एट बिगनिंग यानी अगर नाइनटीन सेवेंटी सेवन आपके पास बेस बिगनिंग ईयर है तो आपने यहाँ पर अपना ओरिजन लेना है और फिर आपने ओरिजन लेना है दूसरे सिचुएशन uh, में एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड 1977 सेवेंटी सेवन टू एटी थ्री जी सोल्यूशन वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने ओरिजन ले लिया एट बिगनिंग टी और वाई ये आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने कोडिंग करनी है एक्स की कोडिंग करने से आपके पास एट बिगनिंग जब आप लेंगी यहाँ जीरो आ जाएगा और फिर फर्दर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके आपने ईयर्स को कर लेना उसी तरह से जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं क्योंकि आपने फाइंड आउट करनी है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो आपको बी चाहिए और ए चाहिए ए और बी के फार्मूले आपको आते हैं आपने फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई का प्रोडक्ट ले लेना है एक्स इंटू वाई और फिर एक्स स्केर का प्रोडक्ट ले लेना है यानी एक्स का स्केयर करके ये ले लेना है लेने के बाद जब आपने फार्मूलों में ये वैल्यूज़ पुट करनी है आपके पास आंसर आ जाएगा एलेवन पॉइंट सिक्स टू एट प्लस पॉइंट थ्री एट सिक्स एक्स ठीक है जी अब इसमें एक्स की जगह पर आपने ये डिफ़रेंट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी आपने लाइन ली और लाइन में जहाँ पर आपके पास एक्स है वहाँ पर आपने नाइनटीन सेवेंटी सेवन के लिए ज़ीरो फर्दर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये पुट करके ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है और यही आपकी ली केयर मेथड से ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने का तरीका होगा फर्दर देखिए जहाँ पर उसने कहा ना मिडल में आपने लेना है ओरिजिन तो 1980 1977 से 83 में 1980 आपका मिडल बन रहा है ऊपर तीन वैल्यूज़ नीचे तीन वैल्यूज सेंटर 1980 में आपका रीजन बन रहा है जीरो लग गया ऊपर आ जाएगा जी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और नीचे आपके पास वन टू थ्री आ जाएगा क्यों क्योंकि वन ईयर का गैप आ रहा है इसमें अगर इवन वैल्यूज होती तो फिर आप हाफ ईयर का गैप लेते उसी तरह से आपने एक्स वाई एक्स केयर निकाला निकालने के बाद लाइन निकाल लेनी है लाइन निकालने के बाद इन्हीं वैल्यूज़ को आप प्लॉट करेंगी जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल में आपने किया और आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ निकलेंगी ये मैथड मैथड ऑफ लीस केयर कहलाता है और इस तरीके से जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट करेंगी